बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बच्चों की दुनिया। आज हम आएंगे तवा फ्राई मसाला भिंडी। तो तवा फ्राई मसाला भिंडी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और बहुत ही चटपट बनती है। तो आप एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार बनाएँ और बार बार खाएँ। तो आइए देखते हैं कि ये ज़बरदस्ती तवा फ्राई मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है और ये ज़बरदस्ती रेसिपी कैसे बनाई जाती है। तो बिना देर किए आज की रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये मैंने लिए भिंडी आधा किलो, इसके अंदर पहले मैंने कट्स लगा लिए थे ये देखिए, और फिर से आधे में काट लिया था। तो अब ये कुछ इस तरीके से, तो इसे हम लोग सेट पे कर लेंगे। और ये हम लोगों ने लिए हैं 5 से 6 तक बड़े साइज़ की मिर्चें, इन्हें भी हम लोगों ने काट लिए अच्छे तरीके से, हम लोगों ने काट लिए इन्हें। और एक हम लोग लेंगे बड़े साइज़ का टमाटर, छिलका उतार लेंगे। तो आप लोगों ने भी छिलका उतार लेना है, इससे ये होगा कि जब आप हम फ्राई करेंगे तो वो टमाटर तो सारा पिघल जाएगा लेकिन उसका छिलका रह जाएगा। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारी रेसिपी बहुत ही मस्त की बनेगी। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो छिलका उतार लें। तो दो दो हम लोग लेंगे बड़े साइज़ के प्याज, इन्हें हम लोगों ने बिल्कुल बारीकी से काट लेना है। तो बिल्कुल बारीकी से हम लोगों ने इन्हें काट लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पाइसेज है। 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे हल्दी और 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे नमक। तो ये हैं कुछ हमारे पास स्पाइसेस। तो इन सब चीज़ों की जरूरत होगी हम आज की ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने के लिए। तो बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं और रेसिपी को फॉलो करते हैं। सो व्यूअर्स, तवा फ्राई मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया तवा, और इसके ऊपर मैंने ऐड किया 1/2 कप ऑयल। तो ऊपर मैंने डाल दिए प्याज। तो प्याज को हम लोग ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे, हल्का सा कलर देंगे और इन्हें बस हल्का सा हम लोग नरम कर लेंगे, सौदा कर लेंगे इन्हें। तो इस तरीके से हल्का सा हम लोग मिक्स कर लेंगे और इनको हम लोग बस हल्का सा पकाएंगे, हल्का सा इनका कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा आप लोगों ने फ्राई नहीं करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे हल्के से नरम हो चुके हैं, जैसे कि देखने में पता लग रहा है। तो इस पॉइंट पर आके आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टमाटर हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है टमाटर को। तो इस तरीके से हम लोगों ने टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, छिलका हम लोगों ने इसको उतार लिया, आपको पहले भी बता दिया एक दफ़ा। तो अच्छे तरीके से हम लोग इन्हें मिक्स कर लेंगे, और जब हम लोग टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो फिर हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। इसको मैंने बारीकी से काट लिया था कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे हरे भरे से मिर्चें भी इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे। तो इस तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये जले ना और नीचे लगे ना, इसलिए हम लोग इस तरीके से चम्मच हिलाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करते जाएंगे। सो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे आके हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक ऐड करेंगे, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, इनकी क्वांटिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करेंगे। तो ये सारे हमारे रंग बिरंगे से मसाले इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अपने सारे मसाले को। तो ये सारे मसाले आप ऐड कीजिएगा, इससे आपका मसाला बहुत ही मज़े का होगा। तो इसे हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम लोग थोड़े से पानी का छिड़काव करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी का हम लोगों ने इसके अंदर छिड़काव किया। तो इस तरीके से हम लोग चम्मच लाएंगे अंदर। तो इस तरीके से मिक्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। तो इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी ने भिंडी। भिंडी के अंदर मैंने कट लगा लिया था जैसे कि आपको पहले भी बता दिया। तो ये देखिए ज़बरदस्ती हरी भरी भिंडी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपका तवा छोटा है या आपका जो मटेरियल है क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो आप लोग 2 राउंड्स में पका सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आराम से आप लोगों ने इन्हें पलटाना है ताकि तवे से ये नीचे ना गिर जाए और आराम से फ्राई और मज़े की फ्राई हो। तो इस तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। तो ये पहले मैंने आधी ऐड की और फिर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब दोबारा से मैं आधी ऐड कर रहा हूँ और दोबारा से हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
यानी कि सारी क्वांटिटी को मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये तवा फ्राई मसाला भिंडी बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका बार बार खाने को दिल करेगा और आप कहेंगे कि आप बार बार बनाएं और बार बार इसका मज़ा लें। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए हम लोग इन्हें फ्राई कर रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते आप लोग इन्हें चम्मच चलाते जाने उसे फ्राई करते जाने। तो इस पॉइंट पे आके अब हम लोगों ने इन्हें तवे पर फैला दिया है। तो अब हम लोग इसे तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। सोवेज़ अलहमदिल्ला 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग ढक्कन हटा लेंगे। माशाल्लाह हमारी भिंडी कितनी ज़बरदस्त बनी है और खुशबू अलहमदिल्ला बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी तवा फ्राई मसाला बहुत ही मज़े की बनी है। अब हम लोग निकाल लेंगे किसी भी डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी भी डिश में हम लोग इसे निकाल लेंगे अपनी तवा फ्राई मसाला भिंडी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। सो व्यूअर्स, आपकी रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।